नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त ताजा खबर। निर्वाचित जिला परिषद सदस्य गौतम कुमार ने किसान को लेकर कह दी बड़ी बात। सुपौल जिला अंतर्गत सरायगढ़ भपियाई प्रखंड क्षेत्र से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 से निर्वाचित हुए जिला परिषद सदस्य पद से गौतम कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए सबसे पहले अपनी क्षेत्र संख्या 14 की महान जनता को कोटि कोटि प्रणाम किया और कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या किसान की है, जो 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में पानी का जो परिस्थिति जल जमा का बना हुआ रहता है, उसको सबसे पहले हम उस काम पर निपटारा करेंगे और एक किसान का हर सुख दुख में हर संभव तैयार रहूंगा। वहीं गौतम कुमार के द्वारा यह भी बताया गया कि हमारी क्षेत्र संख्या 14 की जितने भी युवा हों, मैं खास करके उन युवाओं से आशा करता हूं कि जो भी बेरोजगार है उनको जो भी काम होगा मैं अपनी तरफ से रोजगार दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। वहीं यह भी बताया गया कि क्षेत्र संख्या 14 में 6 पंचायत है और पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस की व्यवस्था को लेकर हम अपने जिलाधिकारी से मांग करेंगे और पंचायत में एम्बुलेंस फ्री सेवा करवाएंगे ताकि हमारी जनता मालिक सुविधा मिल सके। वहीं गौतम कुमार ने यह भी बताया कि क्षेत्र संख्या 14 में जितने भी रोड, सड़क, पुल, पुलिया, गली, नाली का काम होगा वह सब पर हम काम करेंगे और सरकार की सभी योजनाओं को सरजमीनी तरीके से धरातल पर उतारेंगे। आगे देखिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं निर्वाचित जिला परिषद गौतम कुमार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। इस वक्त हम सुपौल जिला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 के सरायगढ़ बपटियाई में पहुंचे हुए। सरायगढ़ बपटियाई से जो इस वक्त जिला परिषद के जो उम्मीदवार है वो कड़ी टक्कर के साथ जीत हासिल किया और जीत हासिल करने के बाद आज उसके दरवाजे पे पहुंचे हुए। यहाँ जश्न का माहौल चल रहा है और जिला परिषद के जो उम्मीदवार है उनको आशीर्वाद देने के लिए काफ़ी जनता लोग भी बैठे हुए हैं। आइए हम जिला परिषद से मिलाते हैं आपको और उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। क्या नाम है सर आपका? गौतम कुमार। गौतम कुमार जी, कौन सा क्षेत्र संख्या? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या सरायगढ़ भपटिया उत्तरी भाग। उत्तरी भाग जी जी, जिला परिषद से। जीत क्या है क्षेत्र संख्या के? क्षेत्र संख्या की महान जनता को जिस तरह आपको स्नेह और प्यार से आशीर्वाद के साथ जिताए हैं, तो उन लोग के लिए क्या अपील करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो उम्मीद नहीं था, उम्मीद से बढ़कर जो बड़े बुजुर्ग दोस्त, नौजवान साथी, माता एवं बहनों का आशीर्वाद हमको मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से सबों को मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही साथ जिस आशा और अपेक्षा के साथ में हमको जिला परिषद बनाया है उस पर सदैव मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा और सदैव खड़ा रहूँगा। जो भी सौ समय जिनको जरूरी महसूस होगा मैं उस समय से उनके यहाँ पहुँचकर उपस्थिति अपना दर्ज कराऊँगा। संभवतः जहाँ तक संभव हो सके सबों का जो स्नेह और प्यार मिला है उस पर मैं खड़ा उतरूँगा। चुनाव जो लड़ रहे थे, चुनाव के समय जो कैंपिंग कर रहे थे, कैंपिंग के दौरान किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा और किस तरह जनता के पास गए और जनता से आप वोट मांग रहे थे, क्या चीज़ का सामना करना पड़ा? देखिए, 2006 ईस्वी से हम समिति पद पर रहे हैं और समिति पद पर रहकर जो आम जनों का हमने सेवा किया है, जगह जगह हमने जो काम किया था उस काम को देख करके काफ़ी जो है सो खुशी था, जनता में माहौल था कि नहीं अब की बार जो है सो जिला परिषद जो है सो गौतम जी को बना के लाना है। और साथ ही साथ जो सबों का इच्छा था वह इरादा पूरी हुई है और उनके साथ मैं खड़ा रहूँगा सदैव। और आपको बता देना चाहता हूँ कि चुनावी माहौल में संघर्ष का है, ये है संघर्ष के साथ जो है जो चुनाव लड़ना ही पड़ता हूँ और सदैव लड़ता आ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। युवा जिस तरह आपको बढ़-चढ़ के हिस्सा दिए और युवा युवा खास करके देखा जाए तो युवा का जो भागीदारी रहता है, जिस तरफ युवा पलटते उधर जीत ही जीत होता, तो युवा के लिए क्या संदेश देंगे? तमाम युवा मेरे साथ है और हम उसके साथ हैं और साथ रहेंगे। साथ ही साथ जो बेरोजगार युवक हैं जहां भी मतलब काम करेंगे उसमें जो है सो हमारे युवा जिस तरह आपको बढ़-चढ़ के हिस्सा दिए और युवा
युवा खास करके देखा जाए तो युवा का जो भागीदारी रहता है, जिस तरफ युवा पलटते उधर जीत ही जीत होता, तो युवा के लिए क्या संदेश देंगे? तमाम युवा मेरे साथ है और हम उसके साथ हैं और साथ रहेंगे। साथ ही साथ जो बेरोजगार युवक हैं, जहां भी मतलब काम करेंगे उसमें जो है सो हमारे युवा साथ रहेंगे और साथ रह करके जो भी काम होगा उस पे के साथ जो है सो लेकर के चलने का काम करेंगे। यही जो है सो जो बेरोजगार युवक हैं, दर दर भटक रहे हैं, उसके लिए जहां तक जो हमसे बन पाएगा उसके साथ में जो है सो हम ये करेंगे। चुनाव जिस समय आप लड़ रहे थे तो आप अपने क्षेत्र संख्या 14 में 8 पंचायत आते हैं, 6 पंचायत छः पंचायत में किन किन चीज़ों की कमी दिखाई दी है? आप जिला परिषद से फिर चुनाव लड़े और जीत भी गए, तो उन चीज़ों पे क्या आप अपने उतर पाएंगे? जो देखिए सबसे बड़ी बात खास करके हमारे 6 पंचायत में 4 बार चुनाव हुआ और कोई अच्छे लोग को जो है सो निर्वाचित नहीं कर सके। और अभी जो खास करके मेरे क्षेत्र में चाहे वो जल निकासी की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, 6 पंचायत के अंदर में कहीं भी एक जल निकासी नाला का निर्माण नहीं हुआ है और हर जगह जो है सो सैकड़ों एकड़ ज़मीन में जो है सो पानी का भरा हुआ है और किसानों का फसल जो है सो सही रूपेण जो है नहीं उपजा हो रहा है। सबसे पहले मैं किसानों के लिए जहाँ जहाँ जो है सो जल जमाव की समस्या है, जल निकासी नाला बनवा करके हर जगह जो है सो मतलब उसका काम करेंगे और ताकि किसान का जो ज़मीन में पानी भरा हुआ वो निकासी हो जाए और सही से फसल उपजे और हर घर के हर गरीब के घर में 10 मन अनाज जो है सो मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी हो, इसके लिए मैं सदैव काम करूँगा और करता रहा हूँ। देखिए जिला परिषद सर, आप बोले कि अच्छे उम्मीदवार को नहीं चुन रहे थे, तो आप भी क्या अच्छे उम्मीदवार नहीं है? इसमें तो आप बोल दिए कि अच्छे उम्मीदवार को नहीं चुन के जिता रहे थे, तो क्या आप अच्छे नहीं हैं? देखिए उम्मीदवार सब अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि वर्तमान में जो है सो जो चुनाव हुआ, इससे पहले भी जो चुनाव हुआ, तो उनका नज़र काम करने का तरीका सही नहीं था, उनका जरिया सही नहीं था और विकास नहीं कर पाए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से आमजनों में कि मैं जो काम करूंगा, अगर काम करके दिखा दिया तो जनता स्वयं हमारे साथ रहेंगे, अगर काम हमारे साथ भी वही इग्नोर करेंगे हमको भी। और मैं आपको इस समाज को वचन दिया हूँ कि मैं सदैव जो है सो खड़ा उतरूँगा और साथ ही साथ जहाँ पर जो समस्या है उसका निदान करने का, जो पंचायत के माध्यम से आज तक काम नहीं हुआ वो जिला परिषद निधि से मैं ला करके काम करने का काम करूँगा और विकास का गंगा बहाऊँगा। क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले मैं तो बोल ही चुका हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जो व्यवस्था में कमी है उस व्यवस्था में हम सुधार लाने का काम करेंगे। जहाँ जल निकासी नाला का अभाव है वहाँ जल निकासी नाला बनाएंगे। जहाँ स्कूल में जो है सो परेशानी है, अधनिर्मित भवन है, वहाँ भवन का जो है सो काम करवाने का काम करेंगे। जहाँ स्वास्थ्य में जो है सो कई जगह हमारे क्षेत्र में जो है सो स्वास्थ्य भवन बन चुका है, उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है, लेकिन आज तक जो है सो उसमें नहीं डॉक्टर का जो है सो बहाली हुआ है, नहीं जो है सो वहाँ ANM का जो है सो बहाली है। आज एक ठो जो है सो माँ बहनों को परेशानी होती है तो बगल के मार्केट सिमराही और भपटिया ही पड़ता है, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। ये सब सुविधा को देखेंगे और इस सब पे जो है सो काम करेंगे। बहुत ऐसा पंचायत है आपका जहाँ एम्बुलेंस नहीं आती है, रात बिरात को भी इमरजेंसी हो, खास करके डिलीवरी पेशेंट के लिए देखा जाए तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं सबसे पहले वरीय पदाधिकारी से बात करता हूं, अगर जिला परिषद निधि से जो है सो एम्बुलेंस का जो है सो व्यवस्था होगा तो निश्चित रूपेण मैं अपने तरफ से एम्बुलेंस बहाल करूंगा और 6 पंचायत में जो है सो आमजनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो एम्बुलेंस मेरा घूमेगा। जहां जिनको चाहे पूर्णिया जाने में परेशानी हो, बीमार मरीज को जो है सो दरभंगा ले जाने में परेशानी हो, सुपौल पहुंचाना पड़े, जहां भी ले जाना पड़े, उसके लिए हमारे यहां से एम्बुलेंस सेवा फ्री रहेगा और वो जाएगा, हर घर को देखेगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराबबंदी हो रहा है, लेकिन यहाँ युवा को खासकर दिखा जा रहा है कि कोरेस और दारू के नशे में चूर हो रहे हैं, तो युवा को क्या हवे से संदेश दें? देखिए, जब सरकार का निर्देश है तो मैं तमाम युवा वर्ग से आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि कम से कम सरकार के निर्देश का पालन करें, और साथ ही साथ मतलब जो निर्देश आया है उससे जो है सो मतलब लेकर के कानून को अपने हाथ में नहीं ले, कानून के साथ चले और कानून को साथ दें। क्या नाम है सर? गौतम कुमार, अभी वर्तमान जिला परिषद सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14, उत्तरी भाग, सरायगढ़ भपटियाही। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 से, सुपौल से, जो इस वक्त जीत के आए हुए हैं गौतम कुमार, जो जिला परिषद सदस्य। इनका कहना है यदि इस बार हम पंचायत में जिला परिषद से बात, जो जिला परिषद की योजना होती है उससे आला अधिकारी से बात करके, 6 पंचायत में एम्बुलेंस दिलाने का काम करेंगे, और उसके लिए जो भी रात बिरात हो प्री ऑफ कोर्स रहेंगे, और युवा के लिए जो भी बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाएंगे, हर संभव रोजगार दिलाने के काम करेंगे। इसी के साथ, हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे तो चैनल को फॉलो और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।